देश में कब होगी बकरीद, क्यों की जाती है कुर्बानी, आखिर क्या है इसका कारण। ईद उल अजहा का इंतजार करने वालों के लिए एक खुशखबरी है, पता चल गया है कि ईद किस दिन मनाई जाएगी, क्योंकि आम तौर पर ईद की तारीख को लेकर कंफ्यूजन बनी रहती है। इसका कारण है कि कई देशों में अलग अलग दिन ईद मनाई जाती है। अब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ साथ इंडोनेशिया और मलेशिया में ईद उल अजहा का त्यौहार 29 जून को मनाया जाएगा, तो वहीं सऊदी अरब में 28 जून को बकरीद मनाई जाएगी। इस दिन बकरे की कुर्बानी दी जाती है, जिसका एक बहुत बड़ा महत्व होता है। बीते दिन लखनऊ में मरकजी चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा है कि माहे जिलहिज का चांद दिख गया है। इस्लामिक चंद्र कैलेंडर के अनुसार जुअल हज्जा या दुल हिज्जा महीना 12वां महीना होता है। बकरीद 29 जून को मनाई जाएगी। तो वहीं चांदनी चौक स्थित फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने मीडिया को बताया कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश हुई और बादल छाए रहे, जिसकी वजह से चांद नहीं दिख पाया, लेकिन यूपी और बिहार के कुछ हिस्सों में चांद का दीदार हुआ है। मालूम हो कि बकरीद के दिन बकरी की कुर्बानी दी जाती है। इस्लाम में इस दिन कुर्बानी का विशेष महत्व है। पहले आपको बता दें कि इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार जिलहिज का महीना साल का आखिरी महीना होता है। इसकी पहली तारीख काफी महत्वपूर्ण होती है। इस दिन चांद दिखने के साथ ही बकरीद या ईद उल अजहा की तारीख का ऐलान किया जाता है। मान्यताओं के मुताबिक ईद उल अजहा मीठी ईद के करीब 2 महीने बाद इस्लामिक कैलेंडर के सबसे आखिरी महीने में मनाई जाती है। इस्लाम धर्म में बकरीद को बलिदान का प्रतीक माना जाता है। बकरीद पर जहां बकरों की कुर्बानी दी जाती है, तो वहीं ईद उल फित्र पर सेवैयां और खीर बनाई जाती हैं। अब आपको बताते हैं कि ईद के मौके पर आखिर बकरी की कुर्बानी क्यों दी जाती है। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक देखें तो पैगंबर हजरत इब्राहिम मोहम्मद ने अपने आप को खुदा के लिए उनकी इबादत में समर्पित कर दिया था। कहते हैं कि उनकी इबादत से अल्लाह ताला बहुत खुश हुए थे। उन्होंने एक दिन पैगंबर हजरत इब्राहिम की परीक्षा ली। अल्लाह ने इब्राहिम से उनकी सबसे कीमती चीज की कुर्बानी की मांग कर डाली। पैगंबर हजरत इब्राहिम सबसे ज्यादा अपने बेटे से प्यार करते थे। अल्लाह की मांग पर उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी करनी चाही। कहा जाता है कि जैसे ही उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी देनी चाही, तो अल्लाह ने उनके बेटे की जगह वहां एक बकरे की कुर्बानी दिलवा दी। ये देख कर अल्लाह पैगंबर हजरत इब्राहिम मोहम्मद की इबादत से बहुत खुश हुए। तब से आज तक ईद उल अजहा पर बकरे की कुर्बानी की परंपरा है। जाहिर है कि कुर्बानी के जानवर के 3 हिस्से किए जाते हैं। इनमें से एक हिस्सा कुर्बानी देने वाले का होता है, 2 हिस्से दान में दिए जाते हैं, एक हिस्सा रिश्तेदारों और करीबियों का होता है, जबकि दूसरा हिस्सा गरीबों और मजलूमों का होता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।